जय आर सीएम साथियों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज, आज ड्यूटी चार्ज का एक विशेष प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है। और जैसा आप लोग जानते हैं, हमें यूएस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही शानदार अवसर मिला है। तो हम सारे के सारे जो यूएस चैनल के और कोर कमेटी के लीडर्स हैं, उन सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपके माध्यम से हमें आरसीएम की इतनी बड़ी संख्या वाली जो जनता है, डायरेक्ट सेलर भाई बंधु लोग हैं हमारे, उन तक हमें पहुंचने का मौका मिला है। तो हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। तो हम आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस आज के इस प्रोग्राम में, जो हमारे इस सीरीज का 18वां प्रोग्राम है न्यूट्री चार्ज के द्वारा, जो आपको दिया जा रहा है। और आप जैसा जानते हैं कि न्यूट्री चार्ज के जो हमारे पहले प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, वो हमारे आदरणीय जो सीईओ है मिस श्री मिलिंद सरवटे जी, उनके द्वारा शुरुआत की गई। और उन्होंने आपको बहुत ही सटीक जानकारी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग भविष्य की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, एक अच्छे अवसर के बारे में बताया। और उन्होंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से भारत में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय जो है, वो वर्तमान का जो 13,000 करोड़ का जो बिजनेस है, उससे 5 गुना तरक्की करके 65,000 करोड़ का बनने वाला है। तो आप सोचिए कि 5 गुना हमारे लिए यह बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि यह बिजनेस
आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ग्रोथ करने की संभावना इतनी बढ़ रही है, तो आपके सबके लिए इतना अच्छा एक अद्भुत अवसर है जिसके माध्यम से आप अपने इनकम को और आप अपने जो भी आपके अंदर भविष्य की योजनाएं हैं उसको आप पूरा करने का ये एक अभूतपूर्व अवसर आप सबके सामने आया है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हर दिन एक नई ऊर्जा लेके आता है और हमें ये प्रेरणा देता है कि हम जब दिन देखते हैं, शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नया अवसर लेके आता है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो समय बुला रहा है, जो आगे का अवसर हमें मिल रहा है, आइए मिलके उसके साथ चलें, उसका स्वागत करें दिल खोल के, और ये भविष्य की जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसको हम आत्मसात करके कुछ ऐसा प्रयास करें जिसके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग में आप सब लोगों के जीवन में खुशियां आए, बेहतर स्वास्थ्य आए। और ये सब जानकारियां आपको हमारे जो प्रोग्राम के माध्यम से मिलती रही और इतने सारे प्रोग्राम आपको न्यूट्री चार्ज के द्वारा दिए गए, आप सब लोगों ने निश्चित रूप से उन्हें सुना होगा, उनके बारे में जाना होगा। मिलिंद सरवटे जी के द्वारा प्रोग्राम दिया गया, मनीषा मिश्रा जी के द्वारा आपको बहुत सारे प्रोग्राम अभी तक दिए गए हैं, और ये इतने सारे ट्रेनिंग के जो अवसर मिले हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से आप हमें जो मिलने का ये अवसर मिल रहा है, इससे ये आपका बिजनेस अब एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये आधुनिक साधन के माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें ये जो अवसर दिया है ये कुछ एक समस्या है, और समस्या जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा अवसर लेके आती है। तो कोई बात नहीं, ये समय कठिन है, कठिन समय चला जाएगा, जीवन में विविधता आती है और विविधता चली जाती है, और इसे हमें स्वीकार करना है और आगे जिंदगी की तरफ बढ़ना है, अच्छे खुशनुमा माहौल की तरफ, और अपने अंदर ये विश्वास जगाना है कि हम बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपके बीच में हमारे जो देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके परिवार के साथ, आरसीएम परिवार के साथ, जो भारत की सबसे अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है, उसके साथ जब हम लोग शुरुआत में जुड़े, तो हमें एक अवसर मिला कि हम सबसे पहले अपने जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज मैन, और हमारा पहला प्रोडक्ट आपके परिवार में जो आया वो था न्यूट्रीचार्ज मैन। और आप जैसा जानते हैं कि जो पहला होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे अद्भुत होता है, तो आपके लिए ये जो पहला प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज मैन, हमारा पहला प्रोडक्ट है आरसीएम के साथ जिसके द्वारा शुरुआत हुई। तो आप जानिए न्यूट्रीचार्ज मैन आपके लिए किस प्रकार से बिजनेस को नई ऊंचाई दे सकता है, किस प्रकार से ये आपके अंदर स्किल डेवलप कर सकता है जिससे आप बड़े संख्या में ग्राहकों तक पहुंच पाए। तो चलिए, न्यूट्रीचार्ज मैन की हम लोग आज जानकारी लेंगे, और आप सामने देख रहे हैं आदरणीय बच्चन साहब आपके बीच में खड़े हैं बॉक्स लेके न्यूट्रीचार्ज मैन का, और वो भी आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन एक नई ऊर्जा और एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। तो दिन का स्वागत कीजिए। आज इतनी बड़ी उम्र में जब लोग घरों से निकलते नहीं है, वो सक्रिय हैं, एक्टिव रहते हैं, 77 इयर्स की आयु प्राप्त करने के बाद भी इतने एक्टिव हैं, तो आप सब लोगों के लिए मौका है कि आप न्यूट्रीचार्ज में उनके माध्यम से सीखने की कोशिश करें कि किस प्रकार से आप न्यूट्रीचार्ज से बड़ा टारगेट कर सकते हैं। चलिए, और जैसा आप जानते हैं आज का जो हमारा प्रोग्राम है डिजाइन किया गया है न्यूट्रीचार्ज मैन की विशेष जानकारी देने के लिए, और ये पुरुषों के लिए बनाया हुआ सप्लीमेंट है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि आमतौर पर पुरुषों को काम करने के लिए घर से बाहर रहना ही पड़ता है। आप जैसे कि हमारे यहाँ पर परंपरा रही है कि पहले, आज तो खैर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, लेकिन पहले एक समय था जब पुरुष लोग घर से बाहर ज्यादा निकलते थे, महिलाओं के जिम्मे घर का डिपार्टमेंट होता था, उन्हें होम मिनिस्टर बोला जाता था, और पुरुष लोग घर से बाहर निकलते थे। हालांकि ये परिपाटी बदल गई, लेकिन आज भी जो है पुरुष लोग ज्यादातर काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, और उनके लिए कई तरह के चैलेंजेस आते हैं और कई प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं, छोटा बड़ा हर तरह का कार्य करना पड़ता है, कुछ शारीरिक मेहनत के काम करना पड़ते हैं, मजदूरी करना पड़ती है, मशक्कत करना पड़ती है, और ये शारीरिक काम, मेहनत के काम, कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना, रिक्शा चलाना, ये सारे काम पुरुष करते हैं। और ये पुरुष लोग जो ज्यादातर लोग जो है आप अभी आप देख रहे हैं फील्ड वर्क, इतना सारा दिन भर आप लोगों को बाहर रहना पड़ता है। अभी थोड़ा सा अवसर कम मिल रहा है हमें बाहर रहने का, लेकिन
बाहर बाइक पे घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, हम फील्ड वर्क करते हैं। आज के समय में आप देखिए लोग जो है वो डिलीवरीज के काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिलीवरीज का अवसर आया है, जब लोगों को पार्सल्स देना पड़ रहे हैं, फील्ड वर्क करने का काम है। बहुत सारे पुरुष जो है वो अपने ब्रेन को एक्टिव रख के मानसिक रूप से ऐसे काम करते हैं जो उनको उलझा देते हैं, थका देते हैं शाम तक आते आते, और उन्हें लगता है कि भाई बस करो, अब कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्योंकि ये हम उस समय बोलते हैं जब कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से थोड़ा थक जाते हैं। और वही बात आती है फिर यहां पर, देखिए एक चीज को, बात को समझ के चलिए, आप ज्यादातर लोगों को देखिएगा जो एक्टिव रखते हैं अपने आप को, जो पुरुष लोग अपने आप को दिन भर एक्टिव रखते हैं, वो ऐसी चीजों को एडॉप्ट कर लेते हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अस्वास्थ्यकर चीजों को हमने अपनी जिंदगी में एडॉप्ट कर लिया है, वो आदतें अपना ली है जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि सिगरेट पीना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे अगर अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने देखा होगा कई कॉर्पोरेट ऑफिस की लॉबी में आपको बाहर लोग सिगरेट पीते हुए, नीचे पान की दुकानों पे सिगरेट पीते हुए, चल यार एक काम कर, दिमाग नहीं काम कर रहा है, थोड़ा जरा एक दो सुट्टे मार लेते हैं, जिसे हमारी देशी भाषा में बोला जाता है। ये शहरों में होता है, तो गाँव में लोग बीड़ी पीने का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे भाई चाय की वो तलब लग रही है, और वो तलब उनको काम करने के लिए, ऐसा लगता है कि काम करने के लिए चाय पी लेंगे तो वो बेहतर होगा उनके लिए, सिगरेट पी लेंगे तो बेहतर होगा। लोग दिन भर चाय पीते रहते हैं, अरे चाय ब्रेक नहीं हुआ, अरे भाई क्या बात है चाय नहीं आई। ये सब हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए वो चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं, दरअसल देखा जाए तो इनको अपनी आदतों में शुमार करना अच्छा नहीं है। लगातार चाय पीना, लगातार गुटके खाना, ये सब चीजें जो हो रही है आप देख रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि हम अपनी जीवन शैली में उन चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं। ये आदतें न केवल आपके शरीर का नुकसान करती है, बाकी आपके खर्चों को भी ये बढ़ा रही है। और आप देखेंगे कि ये जब खर्चे आपके बढ़ते जाते हैं, तो आप उन सब चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं जो आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं। दिन भर में अगर आप सोचिए कि आपने अगर 5 कप 10 कप चाय पी ली, 10-15 लोगों ने, मैं आपसे हमेशा बोलना चाहता हूं, आप अपने आप को मान के मत चलिए, आपका मतलब है इन जनरल, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूं, कि हम वो सब चीजें कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है। और ये सब अस्वास्थ्यकर चीजों की हमें लोगों को आदत पड़ गई है। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलना है। और देखिए ये आदतें आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, ये आदतें आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, रोजाना के खर्चे भी बढ़ा रही है। आप देखिए गुटके खाना, चाय पीना, बीड़ी का इस्तेमाल करना, धूम्रपान करना, और पूरा दिन हम सक्रिय रहने के लिए हम अस्वास्थ्यकर चीजों को अपना रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, फील्ड वर्क करने के लिए, दिन भर मानसिक रहने के लिए अस्वास्थ्यकर चीजों को अपना रहे हैं, और ये सब आदतें आपके लिए घातक हो सकती है। बीड़ी का इस्तेमाल करना, चाय का इस्तेमाल करना, और साथ साथ में गुटके खाना, ये सब शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और एक और बात देखिए, आपने अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए तो कई ऐसी चीजें अडॉप्ट कर ली जो कोई फायदे की नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इसको पीने से, चाय पीने से मुझे अच्छा लगेगा, एक्टिव रहूंगा। हम अपनी जीवन शैली में बदलाव कर रहे हैं। अरे भाई आपके मोबाइल का मेगापिक्सल कितना है, अच्छा अच्छा मोबाइल लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो टच पैड वाला मोबाइल आ गया है जो अपने आप आगे बढ़ता रहता है। अब पहले की पैड वाला मोबाइल आता था, एडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने ये टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट, वो 14 इंच वाला पोर्टेबल टीवी जो घरों में लगा होता था, उसकी जगह पे हम लोगों ने बड़े सुंदर से एलईडी टीवी अडॉप्ट कर लिए। हम लोगों ने पहले जो साइकिल पे चलते थे उसकी जगह बाइक ले ली, और बाइक भी सेल्फ स्टार्ट वाली, किक लगाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि किक लगाने की ऊर्जा नहीं है। कारों में भी आजकल जेब में चाबी रखो तो कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और अब ये समय आ गया है कि हम अपनी जीवन शैली को अपग्रेड करते जा रहे हैं, और अपग्रेड उन चीजों से जो
जो हमारे कार्य को कम करवा रही है। पहले साइकिल में पेडल चलाना पड़ता था, बाइक में किक मारनी पड़ती थी, और अब तो एक खटका दबाइए, एक स्विच दबाइए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है, आपको कहीं पूछना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी आदतों को अपग्रेड कर लिया, बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि स्वास्थ्य को अगर अच्छा बनाना है तो हम क्या स्वास्थ्य के लिए अपने आप को अपग्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि अब समय आ गया है कि अब हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाली चीजों की तरफ अपग्रेड करें और उन चीजों को अडॉप्ट करें जो हमारे लिए बेहतर जिंदगी ला सकती है। और आप हालांकि बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बात जो कि आपको देखा होगा, जो हमारा सेकंड सेशन मनीषा जी द्वारा दिया गया, उसमें आपको बताया गया कि हमारे जीवन में न्यूट्रिशन की कमी है और ये आसानी से पूरा नहीं हो पाती है, और कई पॉइंट्स उनमें बताए गए, इसलिए मैं आपको इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे शरीर में नहीं हो पाती, भाग दौड़ भरी जीवन शैली, आज का समय छोड़ दीजिए, ये 3-4 महीने जो गए हैं कि हमने घरों में बैठ के आराम किया, लेकिन हम आराम करने वाले लोगों में से थोड़ा है, हम तो काम करने वाले लोगों में से है, वही मीटिंगों में जाना, वही जोश भरना, वही लोगों से मिलना। तो हम जब इतनी भागदौड़ करते हैं तो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। मैं आप लोगों के बीच में कई मीटिंगों में आया, प्रोग्रामों में आया, मैं देखता था कि सर सुबह 6 बजे ट्रेन से निकले हैं, 4 घंटा सफर करके आए हैं, रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला, आप भूखे पेट मीटिंगों में आ रहे हैं, आप तुरंत आके मीटिंगों में बैठ जाते हैं, कभी कुछ थोड़ा खा लिया, घर से ही कुछ मिला या नहीं मिला, आपके शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही क्योंकि समय निर्धारित नहीं है। जीवन शैली इस प्रकार की है कि समय निर्धारित नहीं है। बाहर का जंक फूड, आधुनिक पीढ़ी जो है वो जंक फूड को एडॉप्ट कर चुकी है, ज्यादा खा लेती है शौक में, बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक के बॉटल आ गए हैं सर, टॉनिक की बॉटल छोटी होती जा रही है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बड़ी होती जा रही है, बर्गर का साइज छोटा था, अब महाराजा बर्गर आ गया है उससे 4 गुना बड़ा। अब आप सोचिए कि खराब चीजों के साइज बढ़ते जा रहे हैं। आप बड़ी कॉफी की दुकान में जाइए, वहां ऊपर बाप से पूछता है कि सर ये छोटे वाला कप में लेंगे या बड़े वाले कप में लेंगे, और लोग गर्व से बड़े वाले कप में चाय पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं, बड़ी बोतल कोल्ड ड्रिंक के लेके आते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, कहीं ना कहीं हम अपनी जीवन शैली में वो एडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारी सेहत को फायदा बिल्कुल नहीं पहुंचा रही है, बल्कि नुकसान पहुंचा रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे समय में हमारे शरीर में पोषक तत्व अवशोषित भी नहीं हो पाते। बहुत लोग बोलते हैं कि सर खाते हैं तन को नहीं लगता, और ये वो क्या है जो खाते हैं जो तन को नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर का सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ रहा है, उन्हें वो अवशोषित नहीं कर पा रहा है। और कारण क्या है कि पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन नहीं हो पाता, क्योंकि आप वो चीजें खा रहे हैं जिसमें पोषक तत्व तो है ही नहीं, जिसे अपनी भाषा में आप लोग बोलते हैं और सुना होगा आपने, जिसे कहा जाता है एम्प्टी कैलोरीज, यानी आपने ऊर्जा तो ले ली, पेट तो भर लिया, लेकिन शरीर को उससे जो मिला पोषण वो जीरो है, नील बट्टे सन्नाटा है, आपके शरीर को कुछ फायदा उससे नहीं मिला, आपने ये सब अस्वास्थ्य कर चीजों को चुना है। जो ये भाई साहब अपने सीधे दाहिने हाथ में, मुझे मालूम नहीं कि आपको डायरेक्शन कौन सा दिख रहा है, पर मेरे सामने जो दाहिना हाथ दिख रहा है इनका, उस दाहिने हाथ में चीज देखिए ये क्या खा रहे हैं। तो हम उन सब चीजों से पोषक तत्व नहीं ले पाते। और आपने देखा कि बड़ी उम्र के साथ शरीर में जो बदलाव आते हैं तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता आपकी कम हो जाती है, थकान आना भी पोषक तत्वों की कमी का एक दुष्परिणाम है। बढ़ती उम्र का असर, साहब पता चला कि आप जो है अपने लोगों के साथ, पुराने मित्रों के साथ आपका कहीं पर इकट्ठे होने का प्रोग्राम बना है कि वो कॉलेज के दोस्त मिलते हैं दोबारा, वो स्कूल के दोस्त मिलते हैं दोबारा, और जब हम अपने स्कूल के दोस्तों से मिलते हैं, अरे यार तू तो कितना बदल गया, कितना चेंज हो गया, अरे इतना मोटा हो गया, अरे तेरे बाल किधर गए, अरे भाई अभी तो 10-15 साल पहले सब साथ में पढ़ा करते थे, युवा लगते थे। ये बढ़ती उम्र का असर
जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के पोषक तत्वों की कमी को दर्शा रहा है। और ये जब पोषक तत्वों की कमी है तो साहब एक चीज समझिए कि जो आपने खाया वही तो डिस्प्ले आपके चेहरे पर आ रहा है। आपके चेहरे का डिस्प्ले ही आपके भोजन को दर्शाता है। अगर आपके चेहरे का डिस्प्ले अच्छा है इसका मतलब आपका न्यूट्रिशन अच्छा है। क्यों कारण है कि सिगरेट पीने वालों के होठ काले हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी लगने लगती है जो लोग अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं। ये शरीर जो है वो आपका आईना है, आपने देखा न देखा लेकिन सामने वाला आपको देख रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा सर कि अब समय आ गया है कि हम कहीं ना कहीं वो बदलाव करें उन आदतों का जो हमें खराब कर रही है सेहत को, बढ़ती उम्र का असर। अगली बार कुछ प्रयास कीजिए कि जब अगली बार आपके कॉलेज स्कूल की जो 25 साल 20 साल वाली जो दोबारा पार्टी होती है, जो एलुमनाय मीट होती है, जो सब लोग पुराने लोग हमारे रिश्तेदार मिलते हैं शादी ब्याह में, तो आपसे मिले तो आपको देख के पूछें कि भाई बताइए राज कि क्या खाते हो कि आपके अंदर इतना जोश आता है, इतनी ताकत आती है। लोग आपसे पूछें तब आप गर्व से बोलिएगा कि मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, क्योंकि मैं न्यूट्री चार्ज मैन का सेवन रोज करता हूं, मेरे अंदर इतना जोश आता है। पता चलेगा कि वहीं पर उन लोगों में ही आपको कुछ आपके भविष्य के कस्टमर सामने ही नजर आ जाएंगे। ये सब जो है बढ़ती उम्र का असर, चेहरे पर झुर्रियां। अरे साहब ये चेहरे पर झुर्रियां भी न्यूट्रिशन की कमी है। कमजोर दृष्टि, ये आप लोगों ने कई हमारे प्रोग्राम सुने हैं, कमजोर दृष्टि, देखना धुंधलापन चालू हो गया, आंखें सर वो कैमरा वो मोबाइल वो सब देख देख के, टीवी देख देख के हम लोग जो है अपनी आंखों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका रीजन भी तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन की कमी है। इस विषय में तो हम लोगों ने स्पेशली एक आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी आपको कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिली है। हमारे स्पेशल गेस्ट भी उस प्रोग्राम में आए हैं। और ये सब पुरुषों में जो असंतुलित परिणाम होते हैं, या आपने देखा होगा जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हाई बीपी, ये भी एक न्यूट्रिशन की कमी का एक इंडिकेशन है। डायबिटीज कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी का ये इंडिकेशन है कि सर आपको जो ऊपर वाले ने बना के जो शरीर दिया है इतना खूबसूरत, इसका आपने कहीं जो गड़बड़ किया है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के पोषक तत्वों को कम लेने का ही नुकसान है। हो सकता है कि किसी को अनुवांशिक हो सकती है, किसी को और कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो रीजन है वो न्यूट्रिशन की कमी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, आप बार बार ये शब्द अभी बहुत सुन रहे हैं, रोज टीवी पे, रोज आपको चैनल्स में, रोज अखबारों में, इंटरनेट पे ये वर्ड सुनाई दे रहा है। क्या कारण है कि किसी को रोग लगता है किसी को रोग नहीं लगता है? इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज को छुएंगे, देखिए रिस्क तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका शरीर मजबूत है अंदर से तो आपको परेशानी आने की संभावनाएं घटती जाती है। इसलिए आप बेहतर काम कीजिए इस तरीके से कि आपके शरीर के अंदर का न्यूट्रिशन बनाए। कार्य क्षमता में कमी, 3 घंटे 4 घंटे काम किया उसके बाद जाके बोलते हैं कि थक गए यार, काम करने का मन नहीं कर रहा है। आप बहुत सारे ऑफिस में जाके देखिए, बहुत सारे लोग आपको चाय के और आजू बाजू के ठेलों पे ही नजर आते हैं, काम करने की क्षमता ही कम है, उतना इफिशियंटली काम, उतना इफिशियंटली परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा, और ये जीवन नीरस और उबाऊ हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा कि साहब नीरस जीवन और उबाऊ का क्या मतलब है। देखिए जब आपका न्यूट्रिशन कमजोर होगा, आपके शरीर को पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है अरे यार लाइफ में क्या है। धीरे धीरे हम वो स्वीकार कर लेते हैं और जिसको बोलते हैं कि अरे लाइफ में क्या रखा है, जो चल रहा है चलता रहेगा, उबाऊ जिंदगी, वही सुबह उठना, वही रूटीन काम करना। उसका एक ही कारण है कि अगर हमारे अंदर पोषण की कमी रहेगी, न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, तो आपके अंदर जब ऊर्जा नहीं रहेगी, उत्साह नहीं रहेगा, तो काम करने में मन नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जीवन मिला है तो जीवन को नीरस मत बनाए। आपको एक बात बहुत अच्छी, किसी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कहां मैंने सुनी देखी या पढ़ी होगी, वो ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें बोला गया कि आपकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो उसमें जवाब दिया गया था कि आपकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपकी जिंदगी। तो आपको एक मौका मिला है, जिंदगी मिली है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, इस अवसर को बनाइए। सबसे अच्छा अगर अवसर है इस हमारे लिए तो वो है हमारी जिंदगी जो न मिलेगी दोबारा। तो सर
नीरस मत बनाइए, उबाऊ मत बनाइए, एक्टिव रहिए, न्यूट्री चार्ज मैन खाइए और उसके साथ एक्टिव रहिए, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। तो चलिए सर आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या आपको न्यूट्रिशन की जो कमी है ये आपके जीवन को नीरस उबाऊ बना देती है। और ये बातें हम आपके बीच में कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो शायद पहली बार या जो हमारे डायरेक्ट सेलर भाई बहन और बंधु लोग आपके परिवार के पहली बार आए हैं, कि हमारे को जो आपको दूसरा टॉपिक मनीषा जी ने बताया उसमें आपको बताया उन्होंने कि भाई जो जीवान को भाया उसको गले लगाया, जो हमारी ये जो जीभ है इसको जो पसंद आता है वो हम खाना पसंद करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बोलती है समोसे खाना है तो समोसे खाते हैं, ये बोलती है कि आज तो कुछ वो जो है वो फलाने दुकान के जो कचौरी खाने का जो मजा है वो खाना है, फलाने दुकान का फाफड़ा खाना है, फलाने दुकान की जलेबी खाना है। तो ये हमारी जीभ जो है ये रोज आपसे नई डिमांड करती है, क्योंकि इसको जो पसंद आता है वो आप खिलाते हो, और जो आपके सामने भोजन रखा है थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के सोचिए कि इस भोजन में जो रोज खाते हैं, हो सकता है कि हम इतना रोज नहीं खाते होंगे, तो क्या आपको इस भोजन में न्यूट्रिशन की कहीं पते ठिकाने मिल रहे हैं? ढूंढते रह जाओगे कौन सी चीज इसमें न्यूट्रिशन से भरपूर है, जरा थोड़ा सोच के बताइए। सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट है, सारा कुछ जो फैट है, और वही बात है कि सर देखिए आज आपने देखा होगा एक शब्द आप बार बार सुनते हैं एंटीबॉडीज। बोले कि सर अगर हमें कोई बीमारी होगी तो हमारा शरीर अंदर से एंटीबॉडीज बनाता है, जीवन रक्षक जो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये हमारा शरीर जो है निर्माण नहीं करता है, एंटीबॉडीज जो बनते हैं शरीर में वो आपको पोषण से ही मिल सकते हैं, जो आपकी बीमारियों से लड़ाई करते हैं। जितनी ज्यादा इनकी सप्लाई रहेगी उतने ज्यादा ये आपके अंदर के जीवाणुओं को मारेंगे, उनको पीछे धकेलते रहेंगे। आपके अंदर की ताकत जो है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट पावर है। अगर वो स्वस्थ हैं आप और अपने अंदर जो रोजाना न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपके अंदर के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो देख के घुसेंगे, उनको लगेगा कि नहीं भाई ये सेना बड़ी मजबूत रखी है, तुरंत पतली गली से निकल लो। सर मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को ताकत देते हैं और ये जीवन रक्षक माने जाते हैं, और इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए आपके लिए न्यूट्रीचार्ज मैन लाया है विश्व स्तरीय सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज मैन, पू डेली हेल्थ सप्लीमेंट वेलनेस न्यूट्रिशन 33 एसेंशियल आपको इसमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं न्यूट्रीचार्ज मैन में, जो हमारा पहला प्रोडक्ट है आपके परिवार के साथ जुड़े जब से, और इतना ही साइंटिफिकली एडवांस फार्मूला। जब ये प्रोडक्ट बनाया गया मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि बाजार में साधारण विटामिन मिनरल की टेबलेट 2-2, 3-3 रुपए की मिलती है, साधारण टेबलेट मिलती है जिसे जिसके अंदर आपको पता नहीं होगा कि कौन से प्रकार के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं बस, लेकिन वो बिक रही है। हमने सोचा कि नहीं, हमें वो साधारण ऑर्डिनरी विटामिन मिनरल की टेबलेट नहीं सेल करनी है, उसे आप तक नहीं पहुंचाना है, वो तो मार्केट में खूब मिलती है, हमें आपको ऐसा कुछ देना है जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो और जब आप उसे लोगों तक बताने के लिए जाएं तो आपका सिर भी गर्व से ऊपर होना चाहिए कि हमने कुछ प्रोडक्ट निकाला है तो दमदार प्रोडक्ट है, कुछ शानदार प्रोडक्ट है, और ये न्यूट्रीचार्ज मैन सर दमदार प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। आइए इसकी थोड़ी सी कुछ खूबियों को जानते हैं। जैसा अभी आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम जो है थोड़ा सा सुना, मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारी शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया कि भाई जो लोग पुरुष लोग जो बाहर काम करते हैं ज्यादातर, जो दिन भर बाहर रहते हैं, उन्हें अपने आप को सक्रिय रखने के लिए वो सब चीजें खाते पीते हैं जो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए फायदा नहीं करती, जैसे सिगरेट पीना, पान तंबाकू खाना, गुटखा खाना, चाय पीना। बार बार देखिए एक आध दो कप तो ठीक है, एक कप ठीक है, लेकिन दिन भर 10-10 कप चाय पी लेना, तुरंत तलब लगी, ये सब नुकसान करती है। और शरीर को जब ये नुकसान करने वाली चीजें ज्यादा पहुंचती है तो आपका डिस्प्ले जो चेहरे का आपका वर्णन है वो बता देता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, और वो डिस्प्ले आपको बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है तो आपको उस पायदान को पार करना होगा। जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको अपने अंदर न्यूट्रिशन की कमी को दूर करना होगा। तो न्यूट्रीचार्ज मैन जो पुरुष स्वास्थ्य के लिए रोजाना की
जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आपकी मदद करता है। असरकारक और हेल्थ वाला सप्लीमेंट है, सुरक्षित है लेने में, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिएंट डाले गए हैं उनकी मात्रा हम लोग गाइडलाइन को फॉलो करके डालते हैं, और हम ये निश्चित करते हैं कि आप तक हम बेहतर और स्वास्थ्य वाले प्रोडक्ट ही पहुंचा पाए। तो इसमें 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और आप सामने लिस्ट देख रहे हैं, इसमें 13 तरह के विटामिन हैं, 13 तरह के मिनरल्स हैं, 4 बॉटनिकल्स हैं, और 3 अमीनो एसिड इसमें डाले गए हैं। 13 × 26 और 4 × 30 और 3 = 33, 33 न्यूट्रिएंट से भरपूर। और एक और बात, लास्ट की स्लाइड में आपको कंपैरिजन जरूर दिखाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सर इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आपको इतना बढ़िया फॉर्मूला निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कंपनीज काम कर रही है उनके किसी प्रोडक्ट में आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। और आपको बार बार हम यही बता रहे हैं, सिंगल इंग्रेडिएंट पे कंपनियां चलाते हैं, एक एक दो दो न्यूट्रिएंट डाल के कंपनियां चला लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम की टेबलेट भेज देते हैं, उससे कंपनियां चला देते हैं। इसमें डले हैं 13 तरह के विटामिन, याद रख लीजिए टोटल 33, 13 विटामिन, 13 मिनरल, कितने हुए सर दोनों मिला के 26, 4 बॉटनिकल्स, 3 अमीनो एसिड, याद कर लीजिए 33। ये आपको लिस्ट लंबी है, याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिंपल है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, ए, फोलिक एसिड, विटामिन के, बायोटिन, ये सारा आपको विटामिन डी इसमें मिल जाता है, ये सारे के सारे विटामिन है। और ये आपको जो 13 दिखाई दे रहे हैं ये मिनरल्स हैं। टोटल इंग्रेडिएंट कितने हुए सर 33, जिसमें 13 विटामिन और 13 मिनरल, थोड़ा सा याद कर लीजिए, अगर याद कर पाए तो अच्छा है, और याद नहीं कर पाए और प्रोडक्ट को सेल कर पाए तो और भी अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स इसमें डले हैं, इसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयोडीन, ये सारा इसमें डला हुआ है। और ये सबसे खास चीज देखिए साहब, ये यहां पर ये फर्क आपको समझ में आएगा कि क्यों साधारण विटामिन मिनरल से आपकी न्यूट्रीचार्ज मैन एक वाकई में बेहतर टेबलेट है। उसका कारण है कि इसमें 4 बॉटनिकल्स डले हैं, ये ग्रीन टी, बीटा कैरोटीन, लूटीन, लाइकोपीन। आप विटामिन मिनरल के नाम याद रख कर पाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, नहीं याद होते हैं तो कम से कम ये 4 जो बॉटनिकल्स हैं इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए। एक बार क्या हम लोग रिपीट कर सकते हैं आपके साथ में, चलिए 4 बॉटनिकल्स है, पहला है ग्रीन टी, दूसरा है बीटा कैरोटीन, तीसरा है ल्यूटीन और चौथा है लाइकोपीन। कितने हो गए सर 4 इसमें बॉटनिकल्स। बॉटनिकल्स का मतलब होता है प्रकृति के वो सत्व, प्रकृति के वो फायदेमंद चीजें जिन्हें ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए भी फायदेमंद कर सकती है। जैसा आप लोग देखते हैं कि टमाटर पे जो लाल रंग आता है वो लाइकोपीन का रंग है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचा सकता है, इस तरीके से माना गया। ये 3 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, एल लाइसिन, एल आर्जिनिन और एल मिथियोनिन, ये अमीनो एसिड कहलाते हैं। और आप लोगों ने न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में समझा होगा कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन को बनाने के लिए। लेकिन ये कुछ विशेष अमीनो एसिड क्यों डाले गए हैं न्यूट्रीचार्ज मैन में, उसका कारण है कि ये आपको फायदा जो करते हैं वो बताएं। उसके पहले मैं आपको बॉटनिकल्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आपके भोजन में नॉर्मली नहीं होते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो बॉटनिकल्स हैं ये कई प्रकार की परेशानियों से आपको बचा सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, आपकी आईज के लिए अच्छे हैं। और हम लोगों ने न्यूट्रीचार्ज मैन में 1 मिलीग्राम ल्यूटीन डाला था जब हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हमने सोचा था कि आंखों के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन किसी ने हमें बताया और अब जाके पता चला कि सर 1 मिलीग्राम तो अच्छा है, जो बहुत सारी कंपनियां तो डालती भी नहीं थी, लेकिन हमने 1 मिलीग्राम डाला। लेकिन आपके पास तो और भी बेहतर प्रोडक्ट आ गया आंखों के लिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू, जिसमें आपको 20 मिलीग्राम मिलता है। तो आप सोचिए बॉटनिकल्स भी हम लोगों ने बेहतर डाले हैं, बेहतरीन किस्म के डाले हैं और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये जो आप एंटीऑक्सीडेंट देख रहे हैं ये अलग नहीं है, कुछ विटामिन है, कुछ मिनरल है जो ऑलरेडी है, इनको आप एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, ई, ये सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की बीमारियों से आपकी रक्षा करने में मदद करते हैं और कई प्रकार के गंभीर परेशानियों से आपको बचा सकते हैं। ये जो है ये विटामिन जो कहलाते हैं आपके, ये विटामिन आपको भोजन से ऊर्जा देते हैं, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि वो जब हेवी वाला खाना किसी के घर में गए, शादी ब्याह में गए और पता चला कि हमने ऐसे भोजन कर लिया कि ऐसा लगा कि शायद पता नहीं इतना स्वाद वाला भोजन दोबारा कब मिलेगा,
जब भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तन करना वो काम होता है विटामिन्स का। विटामिन B1, B2, ये सारे जो विटामिन्स देख रहे हैं ये भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि आपकी बाइक में जो पेट्रोल डला होता है, आप जब किक मारते हैं, आप बहुत देर किक मारते हैं और कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। आजकल तो आधुनिक जमाने में थोड़ा सिस्टम चेंज हो गए, पर पता चलता था कि ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, और आप जब दोबारा चेक करते थे तो वो स्पार्क प्लग में कचरा होता था। यानी वो फ्यूल को जलाने वाला, पेट्रोल को जलाने वाला स्पार्क ही नहीं है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। तो आप सोचिए कि ये विटामिन मिनरल, जो विटामिन आप सामने देख रहे हैं, ये स्पार्क जब तक पैदा नहीं करेंगे तो जो आपने ऊर्जा ली है वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगी, तो आपकी गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। इसलिए न्यूट्रीचार्ज मैन लोगे तो आपको ये सब फायदा मिलेगा। आपको भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम आप लोगों को इसे नाश्ते के बाद देने की सलाह आप लोगों के लिए भी, आपके कंज्यूमर के लिए भी देते हैं। ये बहुत सारे फायदे आपको करते हैं, विटामिन मिनरल्स एनर्जी देते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं, मांसपेशियों के लिए अच्छे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तनाव को कम करते हैं, कई प्रकार के आपके सेल्स को ठीक करते हैं। तो मुझे लगता होगा कि आपको अब विटामिन्स और मिनरल्स का महत्व शायद समझ में आ गया होगा कि 13 विटामिन्स है, 13 मिनरल्स है, और इसमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट है, कुछ एनर्जी को प्रदान करते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप अपने जब कंज्यूमर्स के पास जाएंगे तो उन्हें विटामिन और मिनरल के फायदे बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बताएंगे तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा नॉलेज रखिए, आपको उससे आपके बिजनेस को, स्किल्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आपने समझा विटामिन क्या करते हैं, B1, B2, B3, ये आपके भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से जैसे गाड़ी का फ्यूल जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो स्पार्क प्लग की ताकत से, और जब तक वो स्पार्क नहीं होगा, जब तक ईंधन जलेगा नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरीके से आपके शरीर का भोजन जब तक ईंधन में बनकर कन्वर्ट नहीं होगा तो शरीर चलेगा नहीं। एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं, ईंधन का काम भी करते हैं, सेल्स की मरम्मत भी करते हैं, और आपको ये बहुत सारे जो आपने फोलिक एसिड वगैरह का नाम सुन रहे हैं, ये आपको जो खून, हालांकि पुरुषों में थोड़ी कम होती है संभावना एनीमिया की, खून की कमी की, लेकिन आपको अगर थकान ज्यादा हो रही है उसका रीजन ये भी होता है कि कहीं ना कहीं पुरुषों में भी कोई, हालांकि परसेंटेज हो सकता है कि उन्हें भी। और आप ये मैक्रो मिनरल्स नाम सुन रहे हैं, मैक्रो का मतलब होता है जिनकी ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत होती है। थोड़े से नाम है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो आपने देखा होगा कि भाई जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का RDA आप लोग सुनते होंगे कि भाई ये 1000 मिलीग्राम है, 1200 मिलीग्राम है, जो RDAs आपको सुनाई देते हैं, इनकी RDA की मात्रा ज्यादा है, इसे इन्हें मैक्रो कहा जाता है, मतलब जो आपको 100 mg से ज्यादा लगते हैं। ये सारे के सारे आपके हड्डियों के लिए जरूरी है, हृदय के लिए जरूरी है, तो मुझे लगता है हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। आपने आयरन का नाम बहुत बार सुना है, आपने ये कैल्शियम का नाम बहुत बार सुना है, लेकिन मैग्नीशियम का नाम उतना परिचित नहीं होंगे। मैग्नीशियम बहुत जरूरी है शरीर के लिए, और जैसा आप जानते हैं 200 से ज्यादा फंक्शंस मैग्नीशियम करता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए सारे फायदेमंद है। तो मुझे लगता है विटामिन्स और मिनरल्स के रोल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप याद कर लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन में 33 पोषक तत्व हैं, जिसमें से 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 बॉटनिकल्स, 3 अमीनो एसिड मिलके हो गए 33, और विटामिन मिनरल कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कुछ आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये माइक्रो मिनरल, माइक्रो का मतलब होता है जिनकी मात्रा कम लगी, मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। तो आप ये, हम आपको इसके बारे में भी कभी एक प्रोग्राम हम विशेष करेंगे इन सब चीजों को, टेक्निकल भाषा को समझने के लिए। तो ये सारे माइक्रो मिनरल कहलाते हैं और इनकी मात्रा आपको कम लगती है। ये बायोटिन वगैरह जो है, ये आपके कई तरह के फायदे आपको विटामिन्स करते हैं, जिनकी मात्रा शरीर में आपको कम लगती है, एनर्जी देने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, ये सब कुछ ना कुछ देखिए कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। आप में से जो लोग केमिस्ट्री के छात्र होंगे, जिन्होंने कभी अपने यंग एज में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें एक वर्ड यूज होता था उत्प्रेरक, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कैटलिस्ट, यानी कि जो उस क्रिया को आगे बढ़ाने का काम करे। तो ये छोटी है लेकिन उत्प्रेरक, उस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप सब सारे समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा ये अमीनो एसिड के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है, शरीर मजबूत बनता है। हमको बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके भोजन से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, आपको या तो उन्हें उन चीजों को सोर्स करना पड़ेगा जिनमें ये मिलते हैं, या आपको जो आपके जो डाइट में अगर मिलेंगे नहीं तो प्रोटीन का निर्माण होना थोड़ा मुश्किल होगा।
आपके हेयर्स के लिए अच्छे हैं, मसल्स के लिए अच्छे हैं। आप प्रोटीन का जो आपने प्रोग्राम हमारा सुना था, जो आपको मनीषा जी ने बताया, उसमें आपको उन्होंने प्रोटीन के फंक्शन बताए थे। तो ये सब जो है प्रोटीन के कार्य है। आप जो भी सामने देखते हैं वो प्रोटीन निर्माण करता है, आपके नाखून, आपके बाल, और प्रोटीन की निर्माण की इकाई है अमीनो एसिड। तो आप लोग शायद अमीनो एसिड को यहां पर अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप यहां पर देखिए, एक चीज मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनकी क्वांटिटी ज्यादा लेना पड़ती है। निश्चित रूप से एक टेबलेट में आप उतनी बड़ी संख्या, उतनी बड़ी मात्रा नहीं डाल सकते। जैसे कि वाइटामिन सी का तो सब बोला जाता है कि भाई एक आरडीए जो है वो 40 मिलीग्राम का है, तो आप ऐसा 1000 मिलीग्राम की टेबलेट एक ही बना देंगे तो टेबलेट बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने सारे विटामिन्स मिनरल्स इसमें डाले हैं, साथ में इसमें अमीनो एसिड डाले हैं। आप देखेंगे पुरुषों में आर्जिनिन का बहुत अच्छा फायदा है। निश्चित रूप से आर्जिनिन की आपको थोड़ी मात्रा ज्यादा लेना पड़ती है, लेकिन आर्जिनिन पुरुषों के स्टेमिना को सुधारता है, ये आपकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। और कई इसके बारे में जो स्टडीज हुई है वो ये कहती है कि आप इसमें सामने पढ़ेंगे या अंग्रेजी में लिखा है, और इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बता देता हूं कि आर्जिनिन आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को जो है ये बेहतर मतलब कर सकता है, इंसुलिन के प्रभाव को अच्छा कर सकता है, और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको जो शारीरिक रूप से यौन समस्याएं जिन्हें ज्यादा होती है उन पुरुषों के लिए आर्जिनिन बहुत फायदे का है। इसलिए आपको शायद अभी तक मालूम नहीं होगा या आपने देखा नहीं होगा, आर्जिनिन न्यूट्रीचार्ज मैन में डाला है 50 मिलीग्राम, जो पुरुष लोग इसका फायदा ले सकते हैं उन्हें यह लाभ करेगा। लेकिन देखिए वही वाली बात है, थोड़ी आपको लगातार इसका प्रभाव को लिए लेना होगा। जिंक जो होता है, ये जिंक भी पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है। आपके स्पर्म का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिंक, और ये आपके इनफर्टिलिटी को बचाता है, आपके शरीर को, यौन शक्ति को सुधारता है, डीएनए के निर्माण में भी मददगार है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो आपको जिंक के फायदे बताए गए हैं, ये जिंक जो है ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। और बहुत सारे आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो देखेंगे, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल जब लिख के देते हैं तो हमेशा आपको एडवाइस करेंगे कि सर इसके साथ आप जिंक जरूर लीजिए, जिंक की टेबलेट जरूर लीजिए। न्यूट्रीचार्ज मैन में आपको जिंक भी मिलता है, जो आपके कई तरह के फायदों के लिए, वुंड हीलिंग में जिंक बहुत योगदान देता है, जिन्हें छोटे मोटे घाव होते हैं उनके लिए जिंक काम का है, आपके स्पर्म का महत्वपूर्ण अंग है, आपके अंदर शरीर के अंदर जो है ये विजन के लिए अच्छा है, जिंक के रोल बहुत अच्छे हैं इसमें। इसके अलावा कई प्रकार के ग्रोथ और आपके हार्मोन्स को ये बेहतर बनाता है। लाइकोपीन जो डाला गया है, लाइकोपीन का भी आप हमारा जो रेफरेंस देखेंगे नीचे, इसमें बताया है कि भाई लाइकोपीन जो है पुरुषों के लिए बेहद लाभकारी है। ये एक जो है बॉटनिकल है, आप समझ गए होंगे कि लाइकोपीन जो न्यूट्रीचार्ज मैन में डाला है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा और आपके अंदर के पुरुष की जो ताकत है उसको भी बेहतर बनाने में काम करेगा। ये हमारी जो न्यूट्रीचार्ज की रिसर्च टीम है उन्होंने कुछ यहाँ पर आपके बीच में स्टडीज डाली हैं और इनका यह कहना है कि ये मेल इनफर्टिलिटी में भी बहुत कारगर होता है लाइकोपीन। हार्ट के लिए इसे बहुत अच्छा बताया गया है। निश्चित रूप से क्वांटिटी मैंने बोला कि कुछ लोग जो है उसकी ज्यादा रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन में हमने वो सब प्रदान कर दिया कि जो पुरुषों को ज्यादातर जरूरत जिन चीजों की पड़ती है वो आपको सारी इसमें न्यूट्रीचार्ज मैन में मिलेगी। तो एक माफ कीजिएगा, आप इसका निश्चित रूप से फायदा लीजिए न्यूट्रीचार्ज मैन का। और हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम जो है वो आरडीए के दिशा निर्देश को माने और हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारी जो टेक्निकल टीम होती है, डॉक्टर कपिल कपूर, मनीषा जी की जो टीम है और उनके साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट जुड़े हुए हैं वो उनको बताते हैं, सलाह देते हैं कि आप प्रोडक्ट का डिजाइनिंग किस प्रकार से करेंगे, फॉर्मुलेशन कैसा करेंगे, क्या आरडीए होता है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके आरडीए को मदद मिले पूरा करने में हमारे प्रोडक्ट के द्वारा, और हम दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं। ये कुछ मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाया गया है कि भाई सिडेंट्री वर्क, यानी एक पुरुष जो एक साधारण सिडेंट्री वर्क करता है, सिडेंट्री का मतलब होता है ज्यादातर समय बैठे रहना, आराम करना, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि जो मेहनत वाला काम कर रहा है उसको कैलोरीज भी ज्यादा चाहिए, उसको प्रोटीन भी थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन आप देखेंगे ये आरडीएस जो बनाए गए हैं ये आईसीएमआर के आरडीए हैं, और हम जैसे आपने यहाँ पर आप कॉलम नंबर जो एस्कॉर्बिक एसिड देख रहे हैं, विटामिन सी जिसे बोलते हैं, उसका आरडीए है 40 मिलीग्राम, और वही हमने आरडीए की मात्रा आपके न्यूट्रीचार्ज मैन में डाली है, आपको ये पूरा करने में मदद करती है। और यहां पर मैं कुछ पोषक तत्वों के आपको तुलनात्मक विकल्प देखिए,
न्यूट्रीशान मैन के बारे में आप लोगों ने समझा कि क्यों जरूरत है, क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट डले हैं, ये क्या क्या फायदे करते हैं। जैसे आपने आज समझा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, आपने आज समझा बोटेनिकल्स के बारे में, आपने आप समझा मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल के बारे में, क्या शरीर को फायदा करते हैं समझा आपने, वो वाइटामिन B1 B2 B3 का कॉन्सेप्ट समझा कि ये ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, मतलब माफ कीजिए ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं भोजन। कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जिंक आपके वुंड हीलिंग में काम करता है, घाव भरने में काम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होता है। जिंक जो है आपके स्पर्म का महत्वपूर्ण अंग है। आपको पता चलेगा आर्जिनिन आपके लिए शरीर के लिए फायदे करता है, जो मेल लोग होते हैं उनके शरीर को आर्जिनिन का बहुत लाभ मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रीशन मैन में जो 33 पोषक तत्व डले हैं वो पुरुषों के लिए बहुत ही सटीक हैं, और आपके सामने अब ये अद्भुत अवसर है कि आप ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचिए और इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर लोगों को बताइए। अब देखिए, अब आपको लोग मिलते होंगे, बहुत सारे लोग जब फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के सवाल पूछते हैं। देखिए, सवाल पूछना उनका हक है, आपका हक है जवाब देना, और भरोसे के साथ जवाब देना आपका हक बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, काम कम करते हैं। कंज्यूमर जो रहते हैं वो आपसे इतने सवाल पूछेगा खरीदेगा नहीं, और कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि तुरंत आपकी बात को समझ जाते हैं। तो आपकी अब ये काबिलियत है कि आप उन तक कैसे समझा पाते हैं। अब आप देखिए, आपको अगर न्यूट्रीशन मैन के पोषक तत्वों को लेना है, वो आपको कई बार लोग बोलते हैं, अरे भाई हम तो मस्त खाते पीते हैं रोज, बढ़िया ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ते, काजू। कभी दुकान पे जो लोग चढ़े नहीं होंगे वो नाम आपके सामने ले लेते होंगे, फल कभी खाए नहीं होंगे, रोज उतने खाते नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने बोलते हैं, अरे भाई हम तो बहुत मस्त फल खाते हैं, और आपको वो डिस्करेज करते हैं, आपको थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, न्यूट्रीशन मैन में जितना पपाया में जो बीटा कैरोटीन मिलता है, उतना जो है आम में भी बीटा कैरोटीन होता है, पपाया में बीटा कैरोटीन होता है। आपको 150 ग्राम पपाया खाना पड़ेगा। एप्रिकॉट बहुत जगह मिलता ही नहीं है, महंगा होता है, 30 ग्राम एप्रिकॉट खाना पड़ेगा विटामिन ई के लिए, जितनी मात्रा न्यूट्रीशन मैन में डली। आपको एक संतरा रोज। अब बताइए साहब कि संतरा क्या साल भर आता है? लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन ये भरोसा है कि ये साल भर आता है और आपको स्वस्थ रखता है। तो आपके लिए फैसला करना है, खाना है तो संतरा खाइए, आड़ू खाइए, एप्रिकॉट खाइए, बनाना खाइए, पपाया खाइए, मैंगो खाइए, भैया मिले तो सही, नहीं मिले तो अपना न्यूट्रीचार्ज मैन है उसे रोज खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप देखिए सर, आलमंड्स 45 ग्राम, पता चलता है सर मुझे आपके शहर का मालूम नहीं, बंबई में 1200 रुपए किलो का आलमंड मिलता है, और 45 ग्राम की वैल्यू आप समझ सकते हैं सर, कम से कम 60 रुपए के आसपास का सिर्फ बादाम है जो विटामिन ई देता है आपको। आपको मटर खाना पड़ेगा, मटर कहां से लाएंगे सर आप, पूरे साल मटर नहीं आती है। आपके शहर का मुझे मालूम नहीं, हमारे शहर में तो नहीं आती है, आपके शहर में शायद आपको साल भर मिलती होगी। हमें ना आम मिलता है, ना हमें ये फल मिलते हैं, ना साल भर नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो कोल्ड स्टोरेज वाले मिलते हैं। ये आपको टोफू खाना पड़ेगा, पनीर जो होता है सोयाबीन का बना हुआ, टोफू खाना पड़ेगा 150 ग्राम, आप बता खा सकते हैं। विटामिन B2 की जितनी मात्रा न्यूट्रीशन मैन में डली है उतना आपके लिए 150 ग्राम टोफू खाना पड़ेगा, आप खा सकते हैं। तो मुझे बताइए, आपको नियासिन खाने के लिए अवोकेडो, अवोकेडो तो सर नाम सुनने में अच्छा लगता है, मिलता किधर है, थोड़ा ढूंढ के लाइए, हम भी कभी कभी खा लेंगे आपके साथ। आपको सर सनफ्लावर सीड महंगा है, मिलेगा ही नहीं, सनफ्लावर सीड कहां से लाएंगे आप, 440 मिलीग्राम जो है B5 के लिए मिलता है, 6 केले, एक केला खा के दिखाइए, दूसरा केला खा के दिखाइए, 6 केले का बराबर का विटामिन B6 तो न्यूट्रीशन मैन की एक टेबलेट में डला है। इतने सारे फल फ्रूट फोलिक एसिड के लिए जो आपके खून को बढ़ाता है, ये फोलिक एसिड आपको पालक में मिलता है, 250 ग्राम पालक खा लीजिए, विटामिन के आपको कबाज में मिलेगा। कैल्शियम सर, जो आप 1 लीटर दूध लाते हैं उसमें आपको 100 ग्राम दूध अगर आपको पीना है तब जाके आपको 75 ग्राम कैल्शियम मिलेगी। 50 रुपए लीटर का दूध होगा तो 100 ग्राम दूध या 100 ml दूध कम से कम 5 रुपए का हुआ ना भाई। अब 5 रुपए का आपको अगर लेना है जिसमें कैल्शियम मिलेगी, न्यूट्रीशन मैन में डाली है ना, अरे दूध वाला नहीं आएगा तो कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियां कहां से बनेगी, न्यूट्रीशन मैन रोज मिलता है ना, उससे अपनी हड्डियां बनाइए। और पोटेशियम के लिए स्वीट पोटैटो, जिसको आप लोग शकरंद बोलते हैं, ये कहां मिलती है भाई,
12 ग्राम शकरकंद खाओगे पोटेशियम मिलेगा, आयरन के लिए बीटरूट खाना पड़ेगी, पालक खाना पड़ेगी, क्रोमियम, सर ये क्रोमियम डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है, क्रोमियम जो मात्रा डली है ब्रोकोली में मिलती है, ब्रोकोली विदेशी फल फूल विदेशी सब्जी है, हमारे देश में मिलती नहीं है, चलिए मान लिया अल्टरनेट भी मिल गया तो खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 33 की लिस्ट बहुत लंबी और ये सब मिलना आसान नहीं है, और मिल भी गए तो सामने रोज खाओगे तो क्या उसको पचा पाओगे, और इतना पैसा कहां से लाओगे, लाइकोपीन के लिए एक टमाटर खाना पड़ेगा, एक ग्रीन टी एक प्याला चाय की पीते हो 50 मिलीग्राम ग्रीन टी मिलती है, और अपने न्यूट्रीचार्ज मैन में आपको 50 मिलीग्राम ग्रीन टी मिल जाती है, तो बताइए कि आप ग्रीन टी रोज कहां पीने जाओगे, नाम तो बहुत सुना है, स्वास्थ्य के बहुत फायदे जानते हैं, ग्रीन टी कहां से पियोगे सर मुझे बताइए, और इतने सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं, इसमें से कुछ एग्जांपल आपको बताया, समय का निश्चित रूप से आपके लिए भी काम करना है, तो 33 की लिस्ट तो नहीं दिखाई लेकिन कुछ नाम हम आपको दिखा दिए, अब आप देखिए ये कुछ पता चलेगा 10-12 जो नाम दिखाए हैं यही कीमत जो है इनकी 400 रुपए हो गई, आपकी स्लाइड में सामने दिखाई दे रहा है सर, ये कीमतें जो है अप्रोक्सीमेट है, आप ऐसा कोई हिसाब मत लगाइएगा, हमारे टीम ने थोड़ा मेहनत करके निकाली है, अप्रोक्सीमेट कीमतें हैं, 400 रुपए तो इन 10-12 आइटम के नाम हो गए। अब आप सोच लीजिए कि आपको ये 400 रुपए के इतनी सारी चीजें सिर्फ 400 रुपए की हुई है, तो अभी तो और बाकी है पिक्चर, 33 है हमारे पास, अब कहां से आप 33 न्यूट्रिएंट ला पाएंगे। अरे भाई हमको सिखाया गया कि स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट सोचिए, स्मार्ट तरीके अपनाइए, तो स्मार्ट तरीके जब हम सोचने में और इन सब चीजों में अपना रहे हैं तो न्यूट्रिशन में स्मार्ट तरीका क्यों ना अपनाएं, कहां जाओगे ढूंढने, ये सब न्यूट्रीचार्ज मेन आपके पास है, इसी में सब कुछ मिलेगा और आपके शरीर को ये फायदा देगा, तो सर न्यूट्रीचार्ज मेन की टेबलेट रोजाना खाइए और स्मार्ट न्यूट्रिशन की तरफ, बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़िए। थोड़ा सा और थोड़ा सा समझ लेते हैं आपके लिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये फायदे मैंने आपको बताया, ये आपको इंग्रेडिएंट का मतलब बताया, आप शायद अपने कंज्यूमर को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि भाई इतना खाना रोज मुश्किल है और उनकी कीमत चुकाना मुश्किल है, ढूंढ पाना मुश्किल है, कुछ सीजनल चीजें होती है, आम गर्मी में आता है, मटर ठंड में आती है, साल भर नहीं आएगी तो कहां से पाओगे, और फिर वही बात है सर कि कहीं ना कहीं, और आपको न्यूट्रीचार्ज मैन इसलिए बनाया है कि इसमें सारे लाभदायक न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और ये फायदे क्या करते हैं, ऊर्जा स्टेमिना बढ़ाते हैं, इसमें सारे मैंने आपको ये बेनिफिट्स जो है बताए हैं, आप याद कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहला फायदा ऊर्जा और स्टेमिना, ये सारे जो न्यूट्रिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स मत समझिएगा, B1, B2, B3, B6, B5, ये जो सारे होते हैं ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, मैग्नीशियम आयरन ये सारे जो होते हैं आपके एनर्जी को बढ़ाते हैं, इसी के साथ साथ में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को दूर करेगा, भाई कोई बात नहीं, आप रोजाना खा, देखिए हम अपने पैक पर आपको हमेशा समझाते हैं कि आप अगर खा सकते हैं तो बेहतर खाना खाइए, स्वास्थ्य वर्धक खाना खाइए, और अगर नहीं पहुंच पा रहा है आप तक तो आप इसको न्यूट्रीचार्ज मैन को लीजिए, या आपके आहारीय कमियों को पूरा करने में सहायक है, और बहुत सारे लोगों को आप फायदा बता सकते हैं, जैसे कि जो लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र 14 साल के ऊपर है, जिन्हें याद रखने में परेशानी आती है, इसमें कई तरह के फायदे ऐसे हैं जैसे कि जो आपकी मेमोरीज को बढ़ाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो दिमाग के लिए बहुत फायदा करते हैं, आपकी जो स्मरण शक्ति है मेमोरी पावर को बढ़ाएंगे, आपको एक्टिव रखने में काम करेंगे, दिन भर आपको थकान नहीं होगी, आपको काम करने में इंटरेस्ट आएगा, जिंदगी बोरिंग नहीं लगेगी, आपको एंटी एजिंग फायदे पहुंचाएगा, जिससे कि आप लोगों को ये जो आप देख रहे हैं सामने कि जिससे आपकी चेहरे की स्किन खराब हो जाती है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो बालों की परेशानी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट आप देखेंगे जैसे अमीनो एसिड है, बायोटीन है, ये आपके हेयर्स के लिए बहुत फायदा करता है, आप उन्हें सजेस्ट कीजिए जिन्हें अपने बाल थोड़े से अच्छे रखने हैं, क्योंकि ये बालों को जरूरी पोषण पहुंचाता है, और जिन्हें बार बार फ्लू होता है, सर्दी खांसी होती है, उसके लिए भी न्यूट्रीचार्ज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काफी सारे न्यूट्रिएंट डले हैं, हार्ट के लिए काफी सारे न्यूट्रिएंट है, आप लोग हार्ट के लिए बेनिफिट समझ गए होंगे, लाइकोपीन, विटामिन ई, फोलिक एसिड, सेलेनियम, ये सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी फायदा करेगा आपका न्यूट्रिशन मैन, हेल्थ आपकी जो ब्लड की जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाएगा, आंखों को बेहतर रखेगा,
निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा आगे अपग्रेड प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन में भी आप शुरुआत कर सकते हैं इसके द्वारा, क्योंकि इसमें थोड़ा ल्यूटिन मिलता है, लेकिन आपको अगर और भी एडवांस चाहिए तो आपके पास न्यूट्रीचार्ज व्यू उपलब्ध है। आप जो लोग थोड़ा सा मशक्कत करते हैं उनके लिए हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज मैन में जो प्रोडक्ट डले हैं वो ये इतने सारे आप देख रहे हैं न्यूट्रिएंट डले हैं न्यूट्रीचार्ज मैन में, और जो लोग बेहतर जीवन चाहते हैं उनके लिए न्यूट्रीचार्ज मैन में है सर इतने सारे प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट डले हैं। आप देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो कुछ ऐसा देने की कोशिश करें जिससे ग्राहक को संतुष्टि मिले, बेहतर कुछ करने की मौका मिले। विटामिन और मिनरल की टेबलेट शुरू से बदबूदार होती आई है, घर में अगर ओपन रखी हो तो पूरा घर में विटामिन और मिनरल की स्मेल आती है, और कभी भी आपको प्रयास करना है तो आप न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट को ही देखिए, थोड़ा सा तोड़िए, आपको पता चलेगा कि अरे इसमें अंदर तो कुछ जो है न्यूट्रिएंट का कुछ अलग टाइप का प्रभाव दिखाई देता है आपको। इसीलिए हम लोगों ने उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करी है ताकि आप लोग जब उसको जीवान पे रखें तब आपको यह महसूस ना हो कि आप कोई बदबूदार इंग्रेडिएंट खा रहे हैं। और ये होता है सर इनोवेशन। बहुत सारे लोग अपने टेबलेट को कॉम्पैक्ट कॉम्प्रेस करके सिर्फ सेल कर देते हैं। कई कंपनियों की टेबलेट आपको दिखाई देगी जिसपे कोटिंग नहीं की जाती, ये फायदेमंद कोटिंग है चॉकलेट फ्लेवर की, और एडवांस मॉइस्चर प्रूफ एलो एलो पैक है। और आप लोग ये जो एलो एलो पैक का नाम सुन रहे हैं ये आपके टेबलेट की मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक रिटेन करके रखता है जिससे आप लोगों की टेबलेट खराब ना हो। ये जो आप पैक देख रहे हैं, ये सामने जो पैक दिखाई दे रहा है ये एलो एलो पैक कहलाता है, आप देख रहे होंगे। इसमें आप टेबलेट को निकालिए और ये पीछे इसमें पूरी जानकारी दी गई है, इसमें टेबलेट लंबे समय तक खराब नहीं होती है, इस पे मॉइस्चर नहीं लगता है और रिटेन रहती है, और ये एक इनोवेशन का तरीका है। हालांकि मैं न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट सुबह ही खा लेता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने देखने के लिए कि टेबलेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉइस्चर से एकदम परफेक्ट टेबलेट रखी है, बढ़िया टेबलेट रखी है, चॉकलेट की खुशबू आ रही है। और जब चॉकलेट की खुशबू आ रही है तो कहीं ना कहीं मन तो थोड़ा विचलित होता है कि जब चॉकलेट की खुशबू आ रही है, एक बार तो खाली है, दोबारा खाने में क्या फर्क पड़ेगा, जीवान पे रखी आह बहुत बढ़िया, कोई बदबू नहीं, कोई बैड स्मेल नहीं, कोई कड़वा टेस्ट नहीं, और थोड़ा सा पानी लिया और आज की हमारी न्यूट्रीचार्ज मैन की है दूसरी टेबलेट हमने खा ली। कोई बात नहीं सर, अब रोज तो नहीं खाते हैं दो, लेकिन आज आप लोगों के साथ में मौका मिला तो निश्चित रूप से खाना पड़ा, और इच्छा थी कि भाई हम टेबलेट को आपके सामने खाएं, अच्छा लगा हमें। शाकाहारी 100%, कोई भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट नहीं है, और जरूरत किसे है, देखिए ये चार ग्राहक वर्ग हमने मोटे मोटे आपके लिए निश्चित किए हैं। आप इनमें से जो जो भी चुनना चाहें, जो लोग युवा हैं उनको आप बहुत अच्छा फायदा इसका बता सकते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, खेलकूद में चाहते हैं, उनको स्टडीज में आगे रहना है, पढ़ाई में आगे ध्यान लगाना है, दिन भर उल्टा सीधा खाते हैं, हॉस्टल में बराबर खाना नहीं मिलता, घर से बाहर रह रहे हैं, कॉलेज स्कूलों की कैंटीनों में खराब खाना मिल रहा है, तो आप उन्हें जो दिन भर खर्चा कर रहे हैं रोज 20-25 रुपए का खर्चा उन सब उल्टी सीधी चीजों पे, उसका बेहतर आप उन्हें इन युवा वर्ग को आप आकर्षित कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज मैन देने के लिए, ताकि उन्हें जरूरी पोषण मिल सके। जो लोग ऑफिस में दिन भर एक्टिव रहते हैं, जिन्हें दिन भर काम करना है, बॉस के सामने अपना इंप्रेशन दिखाना है कि मैं थकता नहीं हूं, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज मैन बहुत फायदे करता है, एक्टिव रखता है, सक्रिय रखता है। इसी के साथ साथ में जीवन में जो 40 साल के ऊपर के लोग हो गए हैं, जिंदगी में उत्साह बना के रखता है, कई स्वास्थ्य संबंधी फायदे आपको करता है, 60 साल से बड़ी आयु के वर्ग के लोगों के लिए भी कई प्रकार के, आपने देखा होगा इसमें क्रोमियम है, डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्रोमियम, आप उन्हें दे सकते हैं। इसी के साथ साथ में उन्हें स्वस्थ रखने के लिए इसमें कई तरह के पोषक तत्व हैं, इसमें आर्जिनिन डला हुआ है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, आयरन है, ये सब जो है उनके शरीर को फायदा करेगा, बोटनिकल्स डले हैं इतने सारे जो उन्हें बेहतर जीवन की प्रेरणा देंगे, उत्साह बना के रखेंगे बड़ी उम्र के लोगों में। अब आपके सामने आपको समझ में आया होगा फायदा, ये चार लोगों को आप प्रोडक्ट बता सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आपके सामने बहुत बड़ी संख्या है युवा वर्ग को जो हॉस्टल में रहता है, कॉलेज कैंटीन में खाता है, बाहर ज्यादा घूमता फिरता है, उल्टी सीधी चीजें खाता है, आप उन्हें इसकी तरफ आकर्षित कीजिए ताकि वो लोग अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सके। जो ऑफिस में काम करते हैं आप उन्हें न्यूट्रिशन देने की सलाह दीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन देने की सलाह दीजिए। जो लोग
40 साल के ऊपर हैं उन्हें आप इसकी सलाह दीजिए, 60 साल के लोगों को इसका फायदा अलग बताइए, और आप एक चीज समझ के चलिए सर, जो फायदा 60 साल वाले को बताना है वो 20 वाले को नहीं बताना है, क्योंकि 60 साल वाले की चिंता और कुछ है, 40 साल वाले की सोच और कुछ है, एक युवा वर्ग की सोच और कुछ है। आपके सामने कंज्यूमर उस तरीके से खड़ा होना चाहिए कि आप उसे देख के आईने में समझ जाएं कि भाई ये कंज्यूमर को मुझे कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा फायदा बताना है। तो आप अलग अलग फायदे इन आयु वर्ग को बताइए। 20 साल 22 साल के युवा वर्ग के लोग हार्ट के लिए उतने जागरूक नहीं रहेंगे, लेकिन 40 और 60 साल वाले लोग हार्ट के लिए जागरूक रहते हैं। आप उन्हें बताइए इसका फायदा किसे लेना है। 14 साल से ऊपर के लोग जो पुरुष और बच्चे हैं, लड़के हैं, मतलब बच्चे मतलब लड़के हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। एक टेबलेट नाश्ते के बाद हम लेने की सलाह देते हैं, आप पानी के साथ ली लीजिए, ताकि आपको जो दिन भर ऊर्जा चाहिए, आप रात में मत लीजिए, दिन भर आपको ऊर्जा चाहिए, आप दिन भर फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऊर्जा चाहिए, तो न्यूट्रीचार्ज मेल लीजिए। कब तक लेना है? तो जैसे हमारा भोजन है वैसे ही न्यूट्रीचार्ज मैन है। कभी आपने घर में पूछा कि रोटी कब तक खानी है, खाना कब तक खाना है, वॉक कब तक करनी है, एक्सरसाइज कब तक करनी है? जब ये प्रश्न हम लोग नहीं पूछते तो न्यूट्रीचार्ज मैन के लिए प्रश्न क्यों पूछे जाए। और वही बात आपको कहना चाहूंगा, दिन भर घूमते हैं, 3 4 5 कप चाय पी ली किसी ने, 50 रुपए खर्चा कर देंगे वो, उन्हें आभास नहीं होता। पता चलेगा गुटखे तंबाकू खा लिए, 50 100 रुपए के आभास नहीं होता। पता चलेगा सिगरेट पी ली 50 रुपए की 100 रुपए की, एक बार दिन में 2 बार 4 बार 10 रुपए की सिगरेट है, 5 रुपए की सिगरेट है, 15 रुपए का गुटखा है। ये सब लोग अपने स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजों पे दिन भर 50 रुपए 100 रुपए खर्चा कर देते हैं, उसका आभास नहीं होता। लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन की जब कीमत बताते हैं, अरे भाई क्या बात है, अरे हम टेबलेट खाएंगे क्या, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि आपकी टेबलेट खा ले। और वही व्यक्ति जाके गुटखा खा लेगा 50 रुपए का, तंबाकू खा लेगा 50 रुपए की, सिगरेट पी लेगा 50 रुपए की, देशी पी लेगा 50 रुपए की, और ये अपने शरीर को नुकसान कर लेगा। शहरी आयु वाला वर्ग जो है वो बर्गर खा लेगा 100 रुपए का, जाके सस्ता मिल रहा है, आज डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बर्गर खा लिया 100 रुपए 200 रुपए का। आप सोचिए सर, न्यूट्रीचार्ज मैन की टेबलेट क्या कीमत रखती है, 12.5 रुपए, 375 रुपए। 12.5 रुपए में तो सर आजकल अच्छी जगहों पर आपको जो है, पहले रोड साइड पे भी चाय मिल जाया करती थी, आजकल तो रोड साइड पर भी इतनी कम कीमत की चाय भी नहीं मिलती है सर। और आजकल चाय का कप भी छोटा होता जा रहा है, जो आपको अगर दे भी रहे होंगे तो 12.5 रुपए की चाय जब नहीं मिलती है, न्यूट्रीचार्ज मैन में इतने पोषक तत्व तो आपको मिल रहे हैं, तो फायदा लीजिए। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन। देखिए न्यूट्रीचार्ज मैन की आपने जानकारी ली, अच्छे कॉम्बिनेशन, जैसे जो लोग, आप इस तरह से समझिए, आप जब किसी कंज्यूमर के पास जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें प्रोडक्ट के फायदे बताने के लिए कुछ ऐसे चीजें बताते हैं कि जब उन्हें लगता है कि भाई आपका तो हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप शुरुआत ऐसी कीजिए कि आप न्यूट्रीचार्ज मैन बताइए उन्हें, और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दीजिए, ताकि उन्हें आभास हो, हाँ यार ये मैं आपका जो है 20 रुपए रोज का खर्चा कर सकता हूँ, न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। कई बार आप जो बड़े प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो कुछ कंज्यूमर को थोड़ा सा ये लगता है अरे हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप अपना रास्ता बनाते जाइए, न्यूट्रीचार्ज मैन साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, 20 रुपए का है कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा लगता है कंज्यूमर की पॉकेट अलाउ करती है, कैपेसिटी है, तो न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ बेहतर परिणामों के लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का इस्तेमाल बताइए, इससे उन्हें और फायदा मिलेगा। ये भी कॉम्बिनेशन है, आप देखिए कितना कम है, 67 रुपीज का जो है इसकी कॉस्ट है। आपको अगर और बेहतर कॉम्बिनेशन चाहिए तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे दीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दे दीजिए और न्यूट्रीचार्ज मैन दे दीजिए। ये जो कीमतें आप देख रहे हैं ये हमारे आने वाले प्रोडक्ट की कीमतें हैं, अभी जो कीमतें आपको दिखाई देती है वो कम है, आपको जब आने वाले समय में प्रोडक्ट दिखाई देंगे तो जैसे न्यूट्रीचार्ज जो कोको प्रोडाइट है वो 825 रुपए होने वाला है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है वो आपको 225 रुपए होने वाला है, हमारी इंट्रोडक्टरी प्राइस खत्म हो रही है, तो ये वो कीमतें आपको बताई गई है। न्यूट्रीचार्ज व्यू आप साथ में दीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन कोको प्रोडाइट व्यू देंगे तो 85 रुपीज का आपको एक कंज्यूमर को देने में, जिनकी कैपेसिटी है आप उनको दीजिए, जिनकी कैपेसिटी नहीं है आप उनको 20 रुपए से शुरू कीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन 12.5 से शुरू कीजिए, उसको साथ में वेज ओमेगा जोड़ दीजिए, प्रोटीन जोड़ दीजिए, जब उसको लगे कि आपको लगे कि उनकी कैपेसिटी है जोड़ते जाइए, आप न्यूट्रीचार्ज व्यू जोड़ दीजिए, और इतने सारे कॉम्बिनेशन आपको बताए गए हैं सेहत के लिए, जिनको आप जोड़ते जाइए, कंज्यूमर को उसका फायदा बताते जाइए।
अब अगर लगता है कि कोई अपनी सेहत को लेके बहुत जागरूक है और उसके पास कैपेसिटी भी है, एक्सपेंसेस भी कर सकता है, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, अच्छे घर के लोग हैं, उनके पास पैसा है जेब में, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन के और साथ में ये कॉम्बिनेशन दे दीजिए, वो अपनी सेहत पे 100 रुपए खर्चा रोज कर सकता है। आपको ऐसे कंज्यूमर भी मिलेंगे जो 20 रुपए खर्चा करेंगे, कुछ 12 रुपए वाले भी मिलेंगे, लेकिन सर हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कंज्यूमर को छोड़ना नहीं है, उसे कुछ ना कुछ फायदा बता के हमारे प्रोडक्ट को उस तक पहुंचाना है। तभी तो जो आपने विजन लिया है, मिशन लिया है कि आप आरसीएम को नंबर वन बनाएंगे, तो हम न्यूट्रीचार्ज आपके साथ है नंबर वन बनाने के लिए। ये सब काम करके लोगों तक पहुंच के अगर आपके शहर में 100 कंज्यूमर 200 कंज्यूमर भी बन जाते हैं तो सोचिए आपका बिजनेस 2 लाख 3 लाख रुपए का हो सकता है और आपकी इनकम हो सकती है कई गुना बड़ी। ये आपको बताया गया है वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट। वैल्यू फॉर मनी का मतलब होता है कि हम आपको बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं लेकिन हम कीमतों में अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं, बेहतर प्रयास करते हैं आपको अच्छे प्रोडक्ट देने का। आप देख रहे हैं यहाँ पर 33 तरह के पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज मैन में मिलते हैं और इसकी कीमत है 375 यानी 12.5 रुपए की, 12 रुपीज 50 पैसे की एक टेबलेट मिलती है। और आप दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने अपने प्राइस को जो है हमसे कम पोषक तत्व डाल के ज्यादा रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये विषय इस चर्चा को करने का नहीं है, लेकिन चर्चा को ये करने का विषय है कि आपको न्यूट्रीचार्ज मैन इतने आकर्षक दामों में मिला है, वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्राहकों तक पहुंच सकें, आरसीएम का फायदा बता सकें, उनको लेने में, प्रोडक्ट यूज करने में, प्रोडक्ट तक पहुंचने में उन्हें ऐसा आभास ना हो कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट आपका है, बताइए हम कैसे लेंगे। उसको लगना चाहिए कि हमने एक अच्छा काम किया है और उसे वैल्यू फॉर मनी दी है और बेहतर प्रोडक्ट दिया है। और देश में अगर कोई काम ये कर सकता है तो वो सिर्फ आरसीएम कर सकता है और आपने अच्छी तरह इसे प्रूव करके दिखाया है साथियों। तो ये आप कंपैरिजन देखिए सामने, ये आपकी जानकारी को बढ़ाएगा और हम इतनी इंफॉर्मेशन आपको इसलिए देते हैं ताकि आप लोग फील्ड में बेहतर तैयार होकर जा सकें और अपने परिणामों को कई गुना बढ़ा सकें। तो साथियों आज आप लोगों ने न्यूट्रीचार्ज मैन की विशेष चर्चा सुनी, ट्रेनिंग सुनी आज आप लोगों ने, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप 14 वर्ष के बड़ी उम्र के लोग जो हैं उन तक पहुंचिए, अपने कंज्यूमर के स्कोप को बढ़ाइए, इसके फायदे बताइए। 33 पोषक तत्व डले हैं, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 बॉटनिकल्स, 3 अमीनो एसिड, 33 टोटल है। बहुत सारे फायदे हैं हर युवा वर्ग के लिए, 40 साल वालों के लिए, 60 साल वालों के लिए, सबके लिए फायदे हैं। और जैसा कि आप हमेशा होता है हमारे पास कुछ प्रश्न जरूर आए हैं, मैं थोड़े से प्रश्न हैं, ज्यादा नहीं है। क्या न्यूट्रीचार्ज मैन डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है? सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप दे सकते हैं, निश्चित रूप से दे सकते हैं। क्या हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर वालों को लेना सही रहेगा? तो यहां पर मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर जो मामला होता है आप उसमें अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं उन्हें, और लो ब्लड प्रेशर में भी मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि कई बार उस किस्म के जो लोग होते हैं उन्हें वो कोई सप्लीमेंट या मेडिसिंस देके रखते हैं, तो पता कर लीजिए कि कहीं अगर वो इसे रिप्लेस कर सकते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज मैन आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन मेडिकल एडवाइस जरूर लीजिए इसके साथ में। क्या इसे लंबे समय तक लिया जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखिए कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका शरीर उस तरीके से बना है कि पहले जो अच्छी चीज शरीर में आती है उसका वो स्वागत नहीं करता, क्योंकि आपके दुश्मन अंदर बैठे हैं जो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे जैसे आप न्यूट्रीचार्ज मैन खाएंगे, और सर आप देखिए 2009 से न्यूट्रीचार्ज मैन की जो डेवलपमेंट की शुरुआत हुई तब से हम उसके ट्रायल एरर में शामिल थे और रोजाना न्यूट्रीचार्ज मैन का इस्तेमाल किया है, और आपको बताना चाहूंगा कि फायदे इसके मिलते हैं, इस प्रकार का कोई नुकसान आपको नहीं होगा। और ज्यादा लेने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है तो ज्यादा लेना जरूरी है ही नहीं सर, हम तो आपको बोलते हैं एक ही टेबलेट लीजिए। और सर साइड इफेक्ट की चिंता क्यों करते हैं? देश में 16 करोड़ लोग हमारे यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, लाइनों में लगते हैं, साइड इफेक्ट की चिंता वो नहीं करते हैं, और हेल्थ सप्लीमेंट के लिए साइड इफेक्ट की चिंता? अरे आप सोचिए सर, हमारे देश में 15,000 करोड़ का हेल्थ सप्लीमेंट बिकता है, उससे 50 गुना बड़ा मार्केट है गुटखा और लिकर का। आप सोचिए, मैं कई बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साइड इफेक्ट को भूलिए, इफेक्ट को याद रखिए, इफेक्ट ही काम करेगा।
साइड इफेक्ट दिमाग में से निकाल दीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट हमारे दिमाग में होता है, उस असर को कम कर दीजिए। न्यूट्रीचार जो है वो आपके बेहतर जिंदगी के लिए बनाया गया है, साइड इफेक्ट का डर मत निकालिए। 60 से ज्यादा की उम्र के लोग ले सकते हैं, बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को आप दे सकते हैं भोजन, जो सुबह का जो नाश्ता होता है, अगर वो नाश्ता नहीं करते हैं और कुछ लेते हैं उसके बाद ले सकते हैं। जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके बाद ले सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कोई सिंथेटिक सोर्स भी डाले गए हैं, निश्चित रूप से जो सर बॉटनिकल्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, विटामिंस मिनरल्स जो होते हैं उन्हें तो जो है वो फॉर्मेट ही लिया जाता है, क्योंकि वो विटामिन मिनरल तो मुझे मालूम नहीं है, आपको अगर ज्ञान हो तो मुझे बताइएगा कि विटामिन मिनरल नेचुरल कहां से मिलते हैं। नेचुरल चीजों से अगर मिलते होते तो हमें नेचुरल चीजें ही खाना चाहिए, नेचुरल चीजों से नहीं मिल पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, तभी तो साइंस ने तरक्की करके उसके लिए उसके सप्लीमेंट्स बनाए हैं। विटामिन सी ऑरेंज भी मिल सकता है, रोज एक ऑरेंज खा लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर न्यूट्रीचार्ज मेन खाएंगे तो विटामिन सी उतना ही डाला गया है, ये विज्ञान ने तरक्की करी है, उसका फायदा लीजिए। योगेश सक्सेना का कहना है कि उन्हें कई सालों से न्यूट्रीचार्ज मेन का सेवन कर रहे हैं और उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने हमारा एक भी व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जोश बढ़ाने के लिए। आप सब लोगों ने आज के हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन के इस प्रोग्राम को ध्यान से सुना, आपके बेहतर स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं, आपके परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने व्यवसाय में बड़ी तरक्की करें, अपना नाम बड़ा कमाएं, आपकी जो भी विशेष हैं बड़ी से बड़ी पिन लाने की, बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचने की, न्यूट्रीचार्ज आपको उसे मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। और हम चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हों, बड़ा बिजनेस करें और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे पाएं, खुद के लिए बेहतर कर पाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और न्यूट्रीचार्ज मैन के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शनिवार को आपके बीच में मनीषा जी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आ रही है, उसे मिस मत करिए, क्योंकि उसमें आपको वो सब टेक्ट बताई जाएगी कि लेबल को कैसे पढ़ना। वो प्रोग्राम आपके बीच में शनिवार को शाम को 7 बजे आएगा, जो आपके स्किल को बढ़ाएगा, उसे मिस मत करिएगा। न्यूट्रीचार्ज मैन आज आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।